सो लास्ट क्लास का क्लास तक हमने ये देखा था कि मोस्ट ट्रिग्नोमेटिकल सेक्शंस किस तरह रहते और उसके रेडियस किस तरह निकालते, यानी हाइड्रोलिक ग्रेडियंट किस तरह निकलता, मीन हाइड्रोलिक रेडियस किस तरह रहता, हाइड्रोलिक डेप्थ क्या रहती और पेरीमीटर क्या रहता, यानी लेस द पेरीमीटर लेस लेस द डेप्थ उस पे मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन किस तरह निकलेगा, यानी ज्यादा वेस्टेज नहीं रहेगा अपना। तो दैट इज हाइड्रोलिकली एफिशिएंट स्ट्रक्चर्स। सो ये अपने को मोस्ट इकोनॉमिकल ट्रेपेजॉइडल चैनल अभी डिजाइन करना है, कैरिंग अ डिस्चार्ज ऑफ 45 मीटर क्यूब पर सेकंड, ओके, विथ अ साइड स्लोप ऑफ 1.5:1। साइड स्लोप ऑफ इट्स नथिंग बट एम एम इट्स गिवन एम इट्स गिवन व्हाट एम इज गिवन एम हॉरिजेंटल इट इज 1.5, इट्स गिवन 1 वर्टिकल, ओके, वन विथ 1 वर्टिकल, 1 वर्टिकल विथ द वेलोसिटी ऑफ 0.9 मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी ऑफ 0.9 मीटर पर सेकंड, एंड वी नो द रफनेस कोएफिशिएंट, मैनिंग्स रफनेस कोएफिशिएंट्स एन एन इज गिवन, ओके, मैनिंग्स रफनेस कोएफिशिएंट्स एन इट इक्वल्स टू 0.025, सॉरी 0.022, ओके। सो वी वॉन्ट टू कैलकुलेट अदर पैरामीटर्स ऑफ दैट ट्रापेजॉइडल सेक्शन, ओके, वी वॉन्ट टू कैलकुलेट टी, वी वॉन्ट टू कैलकुलेट पेरीमीटर, ओके, सो पेरीमीटर, यस एग्जैक्टली पेरीमीटर, एंड वी वॉन्ट टू कैलकुलेट आर एंड डी, ओके, हाइड्रोलिक डेप्थ एंड हाइड्रोलिक मीन रेडियस ऑल्सो, ओके, सो हाउ कैन यू कैलकुलेट गाइस दिस सेक्शन, यही इसका ट्रेपेजॉइडल सेक्शन का मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन एंड मोस्ट हाइड्रोलिकली इफिशियंट सेक्शन का हमने डेरिवेशन किया है लास्ट क्लास में, उसी के हिसाब से अभी हम ये निकाल सकते, कैसे निकाल सकते, ओके, यू हैव एनी आइडिया अबाउट दैट? सर, इसमें स्लोप कांस्टेंट है तो क्या हम डेप्थ ऑफ फ्लो वाई को वेरी कर सकते हैं। इसमें एम कांस्टेंट है, आप वाई को वेरी कर सकते, लेकिन मुझे एक बात बता, आपके पास इसका डेरिवेशन है पहले से ही? देखो, फाइनल रिजल्ट्स यूज कर लेंगे सब। यस एग्जैक्टली, वी वांट टू यूज फाइनल रिजल्ट। हर बार आप एफिशिएंट यानी ये चैनल आप डिजाइन करते रहोगे क्या? नो, दैट्स व्हाई मैंने ये आपको बोला है कि जो भी एफिशिएंट सेक्शन हमने अभी तक इसके देखे, पैरामीटर्स देखे, वो आप एक पेज पे पूरे लिख लो, दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग, ओके, ये पूरे एक पेज पे लिख लो और उसके जो भी पैरामीटर्स है वो भी आप वहां पे लिख लो, यानी जस्ट अवर फॉर्मूला बुक, ओके, फॉर्मूला बुक में पूरा पूरा लिख लो। फॉर्मूला बुक में पूरा लिखने के बाद उसको डेली डेली और वीकली रिवाइज करो, दैट इज इंपॉर्टेंट, ओके, दैट इज इंपॉर्टेंट। व्हाट इज एरिया? एरिया इट इज इक्वल्स टू, एरिया इट इज इक्वल्स टू क्यू बाय वी, वी नो द क्यू, वी नो द वी, 45 मीटर क्यूब पर सेकंड टू द 0.9 मीटर पर सेकंड, सेकंड सेकंड मीटर स्क्वायर, हाउ मच एरिया? फिफ्टी मीटर स्क्वायर, 50 मीटर स्क्वायर। यस एग्जैक्टली 50 मीटर स्क्वायर फॉर मोस्ट इकोनॉमिकल, मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन, और ऑप्टिमम ट्रापेजॉइडल सेक्शन,
टॉप विड्थ इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ इंक्लाइंड साइड्स. टॉप विड्थ इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ इंक्लाइंड साइड्स. टॉप विड्थ इज इक्वल टू बी प्लस टू इंटू एम वाई. दैट इज द रिजल्ट. हा ये रिजल्ट अपना आया था. यस, तो ये डायरेक्टली रिजल्ट हमने क्या कर लिया, डायरेक्ट यहां पे ले लिया डिजाइनिंग के वक्त. टॉप विड्थ इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ इंक्लाइन साइड्स. तो इंक्लाइन साइड्स इट्स नथिंग बट टू वाई अंडर रूट ऑफ एम स्क्वायर प्लस वन. यस, एम स्क्वायर प्लस वन. अब एम स्क्वायर यानी वन एंड हाफ, इट्स नथिंग बट 1.5 डिवाइड बाय वन है वो एम. ओके, 1.5 डिवाइड बाय वन है. तो नथिंग नथिंग बट 1.5 आप डायरेक्टली लिख सकते हैं. सो बी प्लस टू इंटू 1.5 into y, it is equals to y, m it is equals to 1.5, m it is equals to 1.5. आपको अगर आप यहाँ पे ये बोलते होंगे तो यहाँ पे लिख सकते हैं m it is equals to 1.5. One and half, it is nothing but 1.5. Okay. Into y. 2 into y into 1 under root of 1.5 square plus 1 plus 1. क्या होगा फिर? 2 into 1.5 into y, that is nothing but 3y. Okay. And under root of 1.5 square plus 1, how? Root 13. 2 into under root of 1.5 square plus 1 is root 13. ओके, दैट इज रूट 13. ओके, टू इंटू का किया है ना आपने? हाँ सर, तो वाई रूट 13 है. वाई रूट 13, दैट इज 3y प्लस बी. सो वी वांट बी, इट इज इक्वल टू वाई, इधर चले जाएगा वाई रूट 13 माइनस 3y. हाउ मच y? 0.61 605 आता होगा प्लीज. हाँ सर, 605 है. वन भी लिख सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं. सो दैट इज b, फॉर मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन. Okay. And what is the area now? Area it is equals to. What is area of trapezoidal? Area of trapezoidal is equals to b plus my into y. Okay. So what is b now? 0.6055. y plus 1.5 into y. Into y, it's nothing but 50. How much y? y mil jayega, b mil jayega. Question khatam. फोर पॉइंट एट सेवन मीटर, दैट इज नथिंग बट अ डेप्थ, डेप्थ ऑफ फ्लो. डेप्थ ऑफ फ्लो, ओके, डेप्थ ऑफ फ्लो. एंड बी, व्हाट इज बी नाउ? 0.6055.
into 4.87. How much? 2.95. Sir, under root means 13. Sir, sir. Two into under root of 1.5 plus one. कर कितने थे? Three था? नहीं सर, under root of 13 थे. Under root of 13 थे. Under root of 1.5 square plus 1. Under root padhe sahab plus 1. Okay. Into 2. Hello. Bata. This is 2.94 ना? 94. ओके अब बाकी आपके लिए आर डी ये आप बता दो. व्हाट इज आर, व्हाट इज डी, ये आप बता दो. ओके व्हाट इज टी, टॉप विड्थ इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ इंक्लाइन. ओके सो इट इज नथिंग बट आर, आर इट इज नथिंग बट वाई, व्हाट y by 2 है डायरेक्ट y by 2. ओके और क्या है, r इज इक्वल टू a by p. ओके वी वांट टू कैलकुलेट पेरिमीटर आल्सो. पेरिमीटर भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं. टॉप विड्थ इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ इंक्लाइंड स्लाइड्स. टॉप विड्थ आपको क्या करना पड़ेगा, टॉप विड्थ प्लस आपके ये करना पड़ेगा, यानी इंक्लाइन स्लाइड्स यानी टॉप विड्थ हो गई और एक ही आपका ये जो रहेगा बी यानी स्मॉल बी, उससे आप पेरीमीटर पे निकाल सकते. दैट इज नथिंग बट ए बाय टी. सो टी इट इज इक्वल टू व्हाट नाउ. वैसे तो यहाँ पे ही खत्म हो गया आंसर. ओके यहाँ पे खत्म हो गया आंसर, बी और डी ही चाहिए था आपको. ओके तो टॉप विड्थ इज इक्वल टू बी, इट इज इक्वल टू बी इट इज 2.94 plus 2 into 1.5 plus 4.87. What is top width? 17.56. Okay. 17.56. That 17.56 is nothing but our inclined slides. Okay. Plus B kar do, to perimeter mil jata aapko. Yaane, P it is equals to 17.56 plus B it is equals to 2.94 or P it is equals to 2 into 4.2 into मत करो, पहले आप inclined slide निकाल लो एक. नहीं ठीक है, पेरीमीटर 2 इनटू ही करो, 2 इनटू y पॉइंट 4.87 अंडर रूट ऑफ 1.5 स्क्वायर प्लस 1. हाउ मच पेरीमीटर? 20.5 meter. Okay. So we know the R now. R it is equals to Y by 2 or A by B. 50 by P. It is nothing but how much? 2.43. And that is 4.87 divided by 2. That is y by 2. 0.43. Yes.
सो वी वॉन्ट कैलकुलेट ऑलवेज फ्रॉम दिस, हम हरदम इसी जाएंगे. ओके एंड व्हाट इज डी? फिफ्टी बाय टी. टू पॉइंट एट फाइव. टू पॉइंट एट फाइव, दट इज हाइड्रोलिक डेप्थ. ओके, टू पॉइंट एट फाइव हाइड्रोलिक मीन डेप्थ आपका. ये निकाल के क्या निकाल के? आपका लॉसेस निकाल के. ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट इट इज सेक्शन. सेक्शन लाइक दिस. Why this like this? That B it is very small. 2.94. Top width it is 17.56. ओके, दैट इंक्लाइन स्लाइड्स साइड्स आपको लिखना है, आप लिख सकते हैं, नो इश्यूज फॉर दैट. दैट इज नथिंग बट अ वाई. वाई इट इज 4.87 मीटर. ये आपका पूरा डिजाइन हो गया. Y under root of m square plus 1. Okay, this is the incline, inclination, length. Okay, inclination length. तो ये most economical section design आपका हो गया. Okay, most economical section design हो गया. ये आपको मे बी 8 मार्क्स के लिए और 7 मार्क्स के लिए FM2 में पूछा होगा. पेपर ही नहीं हुआ बोलना सर FM2 के, है ना, 6M. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस. नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, यहां तक हो गया ना, यहां तक. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. अ रेक्टेंगुलर चैनल हैज अ विड्थ ऑफ 5 मीटर. रेक्टेंगुलर चैनल, a rectangular channel has a width of 5 meter and a depth of 4 meter. Rectangular channel width 5 meter, depth 2 meter, huh? 4 meter nahi, 2 meter. Depth is 2 meter. Depth it is 2 meter. Mannings and 0.015. Mannings and 0.015. Sir, repeat karana hai. Yeah. A rectangular channel has a width of 5 meter. Width of 5 meter. And a depth of 2 meter. Mannings and 0.015. Longitudinal bed slope. Longitudinal bed slope 1/2000. Longitudinal bed slope 1/2000. Okay. 1/2000. These are the given. Okay.
नेक्स्ट इसके बाद लिखो बाय रीडिजाइनिंग द चैनल बाय रीडिजाइनिंग redesigning okay by redesigning the channel with a constant lining area to what max extent lining area what max extent underline this what max extent the discharge can be increased what max extent the discharge can be increased okay सबसे पहले आपको जो भी सेक्शन देके है वो सेक्शन का डिस्चार्ज पता रहने को ना उसके बाद आप लाइनिंग करने के बाद एरिया कांस्टेंट के बाद डिस्चार्ज किस तरह इंक्रीज हो सकता है वो आपको निकालना है रीडिजाइन करना है सेम इसको कि डिस्चार्ज इंक्रीज होने के लिए सबसे पहले अपने को इसका डिस्चार्ज कितना है ओल्ड चैनल का वो तो पता रहने को ना ओके सो इसका डिस्चार्ज अपने को पहले निकालना पड़ेगा केस वन ओके दैट इज केस वन सॉल्यूशन क्या देखिए आपको 2 मीटर बाय 5 मीटर विड्थ बाय 2 मीटर डेप्थ वाला एक सिंपल चैनल देखिए टू मीटर डेप्थ वन मीटर ओके सो दैट इज 5 मीटर दैट इज 2 मीटर एंड इट इज इक्वल्स 0.015 एस नॉट इट इज इक्वल्स 1/2000 ये तो लिख के ये बोला सर आप क्यों लिख के दे रहे हो फिर से ओके फर्स्ट traditional procedure सबसे पहले वी वन निकाल लो 1/0.015 1/n अब व्हाट इज आर आर इट इज ए बाय बी व्हाट इज ए two sides plus 5 that is 9 a by b that is r 2/3 r a by b and s naught 1/2000 rest to the power 1/2 that is Manning's formula 1/n r raised to the power 2/3 s raised to the power 1/2 what is velocity it is in meter per second we know the velocity we know the discharge area into discharge so 1.599 1.599
मीटर पर सेकंड, तो ये मीटर स्क्वायर में है और ये मीटर पर सेकंड में है, तो क्या होगा 15.99, दैट इज नथिंग बट 16 मीटर क्यूब पर सेकंड, मीटर क्यूब पर सेकंड। सबसे पहले अपने को ये तो पता चल गया कि ओल्ड चैनल का अभी क्या है, अभी रीडिजाइन करेंगे, इसका डिस्चार्ज बढ़ाना है अपने को। हाउ इट्स इंक्रीज, हाउ इट्स इंक्रीज, अब किस तरह इंक्रीज होगा भाई, डिस्चार्ज कब इंक्रीज होता, डेप्थ ऑफ फ्लो कम करने से सर, डेप्थ ऑफ फ्लो कम करने से डिस्चार्ज इंक्रीज होगा, ओके नो इश्यूज, डेप्थ ऑफ फ्लो कम करने से अगर डिस्चार्ज हो रहता था तो दैट नॉट अ आंसर एक्चुअली, वेलोसिटी, डेप्थ ऑफ फ्लो वेलोसिटी बढ़ानी पड़ेगी, हाँ q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी, q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया, If area is increased, discharge is always increased. Okay. How the area is increased? Where did perimeter is increased? Area is increased. Because of hum kai kai area le rahe, wetted area le rahe. We are taking wetted area in FM. Okay. Wetted area. So wetted depth liya humne. Wetted depth is increased. Wetted perimeter is increased. Wetted perimeter is increase, discharge is increase. Okay, case 2. How the wetted perimeter is increase? Okay, dekho. To have maximum discharge, maximum discharge, the channel shall be redesigned by keeping lining area, area is same, which area, lining area, area constant, so what is lining area, lining area is related to wetted perimeter, assuming meter run, 1 meter run, huh? 1 meter run, 1 meter run of the channel, 1 meter run of the channel. So P2 is equal to P1. Yes, agar aapka wetted perimeter same hai, wetted perimeter agar aapka same hai, to aapka kya same hai phir, wetted perimeter agar aapka same hai, so it's nothing but P perimeter 1, it is equals to perimeter 2, wetted area is same, so perimeter is same, that's why P1 it is equals to P2, so P2 it is equals to 9, P2 it is equals to 9, so 9 is equals to B2 plus twice of Y2, it is equals to 9, aap bolenge sir abhi ye bhi yahi lete kya, B over Y, no, ये नहीं लेंगे अपन,
आपका वेटेड एरिया आपको क्या रिलेट देके है, आपको रिलेट देके है कि एरिया कांस्टेंट है, रीडिजाइन किया तो अब क्या है, लाइनिंग एरिया इज कांस्टेंट, लाइनिंग एरिया इज कांस्टेंट, ओके लाइनिंग एरिया इज कांस्टेंट। सो गाइस दैट इज इफ द रेक्टेंगुलर चैनल, व्हाट इज द मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन, व्हाट इज द बी, what is b, it is in terms of y, why b equals to b is equals to 2y. Yes, for most for most economical channel section, b is equals to 2y. B is equals to 2y. Put here. Put an equation. One. ये मैं आपके लिए लिख रहा। गेट में ये वगैरह लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट निकाल सकते आप, ओके? हाँ, यूनिवर्सिटी के लिए पेपर सॉल्व कर रहे हो, मस्ट बी रीड, यानी आपका ये लिखना पड़ेगा। 2y, b is equals to what? 2y, y कौन सा है? y 2 है, okay, plus again 2y, it is equals to 9, अरे 4y, it is equals to 9, y it is equals to 9 by 4, what is 9 by 4, y? y 2? 2.25, yes, what is b? How much? 4.5. One minute. We can take this section. B it is equals to 2 into 2.25. 4.5 meter. Ah, 0.5 meter kam ho gaya. Depth? Wetted area is same. Okay, wetted area is same. So, ये आपका बढ़ गया, y आपका बढ़ गया, y 1 कितना था, 2 मीटर था, y 2 कितना हो गया, 2.5 मीटर हो गया। So, what is now, wetted area is same, okay, so what is velocity again, we calculate the velocity, what is radius, r, r it is equals to, y by 2, yes, directly we calculate from y by 2, huh? Yes or not? Nahi, sir. Huh? Hydraulic mean depth, it is not a y by 2. Haan, sir, y by 2. Y by 2 aata na? Y by 2, q y by 2 aata, r it is equals to a by P, A it is equals to B into Y, and perimeter is equals to B plus 2Y, B plus 2Y, it is, okay, so agar aap bolenge sir ye to ho gaya R, lekin most economical section ke liye R agar Y aapka kya hai, B is equals to 2Y. For most economical section, तो इसी के लिए क्या हो जाता है आपका 2y into y divided by 2y plus 2y, that is 4y, okay, that is nothing but y square 2 divided by 4y, 2 बचा, y get cancelled, यानि y by 2, that is y by 2, for most economical channel, for what, for most economical channel. Okay, so y by 2, it's nothing but 2.25 by 2, that is 1.125. What is velocity? Again, velocity 2, that is nothing but 0.015, 1 by n,
r raised to the power r, it is nothing but 1.125. आप यहाँ पे भी डायरेक्टली लिख सकते हैं y by 2, okay. Raised to the power 2 by 3 as slope is constant, okay. 1 divided by 2000 और पर रनिंग मीटर के लिए assuming रनिंग मीटर मीटर रन ओके 1 मीटर रनिंग के लिए ले रहे, सो वेलोसिटी पर 1 मीटर रन हाउ मच, हाउ मच V2 is greater than V1. 1.612. What is Q2? V2 into A2. अब भाई A1 और A2 तो सेम ही है, उसमें तो कोई चेंजेस नहीं है, ओके. क्योंकि आप 2 into 5 करो या फिर आप 4.5 into 2.25 करो, that is nothing but a 10, ओके. So 1.612 A2 it is equals to A1. Wetted area is same, no change, but the B is change and Y is change, the discharge is change, okay. That's why most economical channel. How much? 16.16 bolna sir, kya aap puch rahe bolna, 16.12. How much increase, how much percentage increase? How much percentage increase? Q2 by Q1. Q2 minus Q1 divided by kya rahe nikona? Q1 into 100% percentage increase 0.813. okay. Zero point only 13. Yes. E Arana. 0.813. Okay. Increased. 0.813 increased. अब इतना सब कुछ निकालने से बेटर है कि आप शॉर्टकट निकाल सकते, हाउ कैन यू कैलकुलेट शॉर्टकट मेथड, दैट इज लॉन्ग कट, ओके. शॉर्टकट अभी क्या है, फॉर द सेम आंसर वी कैन कैलकुलेट शॉर्टकट. Thank you.
area is constant. ओके सो आपको अब इससे मैंने ये तो डिराइव करके दिया है कि Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द A 5/3. बोलेंगे सर हाउ? यस हाउ? अब अगर मैं लेता इससे दिस ए 2/3 ए इज इक्वल्स टू 5/3 दैट इज इक्वल्स टू क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सो Q2 by Q1 ओके Q2 by Q1 आप बोलेंगे सर हाउ A2 by A1 अब तो वेटेड पेरिमीटर साम सेम बोले एरिया गाइस एरिया इट इज 4.5 5/3 दैट इज अगेन वन ऑफ द शॉर्टकट लेकिन कहां से यहां से यानी इसका ही शॉर्टकट डायरेक्टली अगर आपको A2 भी देखे A1 भी देखे वेटेड पेरिमीटर इज सेम सो वी कैन कैलकुलेट लाइक दिस हाउ मच How much, guys? A2 में कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं है 10.125 ओनली पेरिमीटर इज सेम 9.9 1.02 ओके मीटर क्यूब पर सेकंड इट्स इंक्रीज लेकिन यहाँ पे तो 0.83 लेकिन 1.02 दैट इज 1. यहां से अगर देखिए तो आपका ये भी 16 है ये भी 16 है तो फिर इतना कैसे क्या इंक्रीज हो रहा बोले सर एक्चुअली 1.02 दैट इज परसेंटेज इंक्रीज Q1 by Q2 दैट इज परसेंटेज इंक्रीज यानी परसेंट यानी मीटर क्यूब पर सेकंड नहीं That is increase. That the ratio of Q2 by Q1. अगर आप Q2 by Q1 यहाँ पे भी करते हैं 16.12 divided by 15.66. अब 1.011 something आपको निकल सकता. 9.9 ना? 1.02 तो ये दो इससे आप जा सकते हैं डायरेक्टली ओके दो इससे आप डायरेक्टली जा सकते हैं इन द सेम प्रॉब्लम नेक्स्ट क्वेश्चन इसी प्रॉब्लम में देखते हम इन द अबो प्रॉब्लम यहां तक हो गया क्या या रुकू मैं दो मिनट नहीं हुआ होगा तो मैं रुकता नो इश्यूज लिखो In the above problem, calculate the possible percentage increase
इंक्रीज इन एरिया इन डिस्चार्ज, एरिया इन डिस्चार्ज. हाँ, इन द अबव प्रॉब्लम कैलकुलेट द पॉसिबल, इन द अबव प्रॉब्लम दिस प्रॉब्लम ओके अबव प्रॉब्लम इन द अबव प्रॉब्लम कैलकुलेट द पॉसिबल परसेंटेज इन एरिया, परसेंटेज इन एरिया इन डिस्चार्ज, परसेंटेज इन एरिया इन डिस्चार्ज, परसेंटेज इन एरिया एंड डिस्चार्ज. ओके सॉल्यूशन, सिंस नो कंडीशन इज मेंशन्ड, वर्कआउट from the fundamentals. Definition. Of efficiencies. Efficiencies नहीं, efficiency. Cross-sectional area, यानी weighted area. Is equals to constant. So, Q8 is equals to A into V, A into 1 by N, and it's again constant. A by P, अब P constant नहीं है, A constant है, 2/3, 1 by S, it's constant, this is again constant, तो ये constant को मैं cut कर देता, cut, बचा सिर्फ और सिर्फ ये, Q is equals to 1 of 2/3, यानि मैं इसको directly, ऐसे भी लिख सकता, it's directly proportional to the, okay, so Q2 by Q1, it is equals to 1 by, यानी आप आपको मैं ऐसे लिख सकता, P1 by 2/3, inversely proportional है ना, P2 by 2/3, ये directly मैं लिख सकता. अब मुझे ये पता है कि A2, it is equals to A1, it is equals to 10 meter square, that is, for optimum channel, ओके okay, ये देखिए अभी क्या देखिए, एरिया इज सेम, एरिया इज कांस्टेंट, इट्स गिवन, सो फॉर ऑप्टिमम चैनल B2 into Y2, it is equals to 10. Twice of Y2 into Y2, it is equals to 10. So Y2, it is equals to 10 by 5. Under root of 5, it is equals to 2.23, that is area. तो बोलेंगे सर आपने 9 किया तभी, और ये that is area. 2.364 आता होगा ना, 0.236 क्या, 2.236 ओके मीटर. नेक्स्ट 2.23 आ रहा, यानी 2.364 नहीं आ रहा,
नहीं ओके ठीक है नेक्स्ट। अब अगर मैंने ये y इज इक्वल टू निकाल लिया तो अपने को पता है बी टू इंटू वाई टू इट इज इक्वल टू 10 है, सो बी टू मिल जाएगा मुझे यहाँ से 2.236 इट इज इक्वल टू 10, सो बी टू इट इज इक्वल टू 10 डिवाइड बाय 2.236। व्हाट इज बी टू? मीटर। ओके सो व्हाट इज पेरिमीटर नाउ? व्हाट इज पी टू? दो डेट पी टू इट इज इक्वल टू, अभी एरिया क्या है मेरा यानी ये किस तरह है वेटेड पेरिमीटर का, ये वायर रहेगा और दैट इज बी, यानी क्या हो जाएगा 2y प्लस बी 2 इंटू वाई टू, वाई टू इट इज नथिंग बट 2.236 प्लस बी, बी इट इज नथिंग बट 4.473। हाउ मच पेरीमीटर टू बी टू? पेरीमीटर टू नाउ, अगर एरिया कॉन्स्टेंट रह गया और पेरीमीटर टू रहा तो पेरीमीटर टू क्या है अभी आपका? मीटर। ओके सो अभी अपने को यहां से तो ये पता है क्यू टू बाय क्यू वन इट इज इक्वल टू पी वन बाय पी टू, टू थर्ड टू थर्ड। पी वन कितना था अपना? 9 था। P2 कितना है? 8.944, इट्स ऑलमोस्ट नियर अबाउटली सेम। हाउ मच? यानी क्यू टू इन टर्म्स ऑफ क्यू वन ये क्या हो जाता है, ये आपको अभी यहां से पता चल जाता। आप टू थर्ड बाहर भी लिख सकते हैं, यानी आप टू थर्ड यहां पे भी लिख सकते हैं, दैट इज पी वन बाय पी टू, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इसलिए पी वन बाय पी टू। हाउ मच? वन पॉइंट समथिंग आ रहा होगा ना, 1.004 इंक्रीज। ओके आप इस तरह बोल सकते 1.004 ऑफ क्यू वन इट इज इक्वल टू क्यू टू, वी कैन से लाइक दिस। ओके गाइस नेक्स्ट, तो ये था एक क्वेश्चन। नेक्स्ट लास्ट हाइड्रोलिक इफिशियंट सेक्शन, अगेन सर्कल पार्शियली फुल वाला। ओके पार्शियली फुल वाला, सर विजिट आए का आज? हाँ आए न, विजिट है, विजिट है, मतलब 5-10 मिनट दे सांग तो भी, 5-10 मिनट्स। ओके सो वन मिनट गाइस, केस फोर, केस फोर ना, फोर नहीं सिक्स क्यों लेकर फोर। हाइड्रोलिकली इफिशियंट सर्कुलर सेक्शन रनिंग पार्शियली। ओके दैट इज वाई, दैट इज डी, और आप पार्शियली, और आप इसको ये भी बोल सकते हैं वेयर
boundaries. Converge toward top two condition exist. Exist. Condition one. For maximum velocity, R is equals to 0.3D, Y is equals to 0.81D. Okay, condition two. For maximum discharge, please jaldi jaldi likh lo. 0.3, 0.29, 2 9ths of D. Phi is equals to 0.92 of D. There is 81, there is 92. Okay, for Mannix. Mannix formula. Aur Chezy's ke liye 0.95 of D. Chezy's. Formula. Okay. These are the conditions. Velocity and discharge. Okay. So, guys, ye aapka tha hydraulic equation section. Yahan pe khatam. Kal apan iske definitions dekhte hain. कल का क्लास इसके डेफिनेशंस पे रहेगा. ओके.